सबसे सीनियर महिला इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम आप क्या सोचती हैं इस पूरे गर्भ संस्कार को लेकर? देखिए मैं तो अलग बात कहूंगी, अपना अनुभव। मेरे दो बच्चे जब हुए हैं, मैं पीएचडी कर रही थी, मेरा सारा दिन जेएनयू की लाइब्रेरी में और सप्रू हाउस लाइब्रेरी में गुजरता था। वो मेरे दोनों बच्चे किताबी कीड़े हैं। थोड़ी सी आगे भी सुनिए, मेरी बेटी बीसीजी में हार्वर्ड पास आउट है, बीसीजी में डायरेक्टर और पार्टनर है। अब आप कह रहे हैं कि असर पड़ता है? नहीं, एक और अगला सुन लीजिए आप। मेरा तीसरा बच्चा ईरान में हुआ, उस वक्त वॉर चल रही थी, इंटरनल वॉर भी थी वहाँ की। हम मेरे हस्बैंड डेपुटेशन पे गए थे, डॉक्टर हैं, बहुत खूबसूरत घाटी थी। उस घाटी में मुझे कभी ब्यूटी नज़र नहीं आई थी, लेकिन जब मेरे तीसरे बच्चे के जन्म का समय हुआ, मुझे चांदनी रात बरसती हुई, क्या कहते हैं, रिमझिम बर्फ और रुद्र खाना बहुत अच्छा लगता था। और सुन लीजिए, आगे सुनिए। जब मेरा बच्चा पढ़ने गया तो स्केच बड़े खूबसूरत बनाता था। मेरे हस्बैंड कहता है मेरे बेटा डॉक्टर बनेगा, सर्जन बनेगा, लेकिन डॉक्टर तो आप ये कह रहे हैं कि असर हुआ इसका? मेरा वो लड़का जो था वो क्रिएटिव डायरेक्टर बना और बड़ा फेमस बंबई में। बात है, क्या बात है, अरे बच्चे आपके नंबर वन होने वाले। मेरी बेटी जब पैदा होने वाली थी तो गर्भ संस्कार इफेक्टिव है कि नहीं है? मैं वही बता रही हूँ, संस्कार आप जोड़िएगा बीच में, सभी धर्मों के लिए है कि मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तो कपूरथला के मैं मंदिर वाले घर में खड़ाऊँ पहन के रहती थी। तो मेरी एक सहेली थी, वो फिल्मी बातें करती थी, तो मुझे घर में इंस्ट्रक्शन मिला कि इसके पास नहीं बैठो। मैं इनका क्यों, कहती इसके विचार अच्छे नहीं है, सिनेमा की बातें करती है। और मैं किताबें पढ़ती थी और उससे फिल्मों की स्टोरी सुनती थी। आज मेरी बेटी सरबजीत की राइटर, डायलॉग राइटर, गंगूबाई की राइटर, डायलॉग राइटर और जी सिनेमा का बेस्ट डायलॉग राइटर का इनाम मिल रहा है। मैंने उसे साइंस पढ़ा पढ़ा के उसका दिमाग खराब कर रखा था, जैसे मुझसे अलग हुई उसके तो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा, हाँ कुछ तो अच्छा हुआ। नहीं, आपको क्या लगता है? हाँ हाँ बोलिए। संस्कार का मैं आपको बता रही, जो पुंसवन संस्कार है, 3 से 5 महीने के बीच में पुंसवन संस्कार होता है। तो मेरा भतीजा छोटा अभी 7 ईयर्स का है, उसका पुंसवन संस्कार हुआ था। जिन बच्चों का पुंसवन संस्कार होता है वो बच्चे बिल्कुल विलक्षण होते हैं, बिल्कुल अलग बच्चे होते हैं। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर राजेश पासवान जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेश पासवान, जेएनयू की का जिक्र है, आप जेएनयू से हैं। अब इसमें अब पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मैम तो खुद कह रही हैं जब वो लाइब्रेरीज में घूमती थी उनके बच्चे किताबी कीड़े हो गए, जब वो एक अच्छी जगह पे थी उनका बच्चा क्रिएटिव हो गया। तो यही तो बात है, अगर आप जो माहौल बच्चे को देंगे, आप उसको महापुरुषों की कहानियां सुनाएंगे, आप उसको रामायण गीता के पाठ करेंगे, तो हम उनको आइडियल मानते हैं ना, कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमें मानते हैं भगवान कृष्ण बहुत आइडियल एक थे, तो वही तो हम बताना चाहते हैं अपने बच्चों को। और वही बात हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो साफ वो कह रही है, दिक्कत नहीं है। जो भी तार्किक वैज्ञानिक तरीके से लोग कह रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ सच है कि सिर्फ पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या रही है, आर्थिक स्थिति क्या रही है, बच्चे को खाना क्या मिल रहा है, उनको क्या खाना क्या मिल रहा है, उनका परिवेश कैसा है, इसे भी डिसाइड करता है कि बच्चा आगे क्या बनेगा। तो यतिमा ये तो बात सही कह रहे हैं ना सर, ये बात तो पहली प्राथमिकता तो उस बच्चे को अच्छा माहौल मिले वो है, बाकी चीजें तो उसके साथ है, जैसे जिस संस्कार की आप बात करती हैं। नहीं, जो संस्कार गर्भ में दिया गया उससे बच्चा हष्टपुष्ट होगा, उसका मानसिक स्तर बौद्धिक स्तर डेवलप्ड होगा। जब बच्चा संसार में आएगा तो वो एक डेवलप्ड मानसिक स्थिति के साथ आएगा, जिसका डेवलप्ड नहीं, वो कुछ और कह रहे हैं यतिमा, वो कुछ और कह रहे हैं। सुनिए सुनिए, वो कह रहे हैं पहले बच्चे को अच्छा खाना मिलना चाहिए, माँ को अच्छी दवाइयाँ मिलना चाहिए, बच्चे को अच्छा वहाँ पर माहौल मिलना चाहिए, उसके बाद संस्कार मिलना चाहिए, यही कह रहे हैं सर आप? ठीक है, हाँ वो जो कह रहे हैं उसको ही माइंड आप मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, खाना अच्छा पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं वो डिनाई कर रहे हैं गर्भ के संस्कार को। मैं कह रही हूँ कि जब जो बच्चा गरीब परिस्थिति में, मेहरुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेहरुद्दीन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो अपने परिवार को उत्थान की तरफ ले जाएगा, जो संस्कार यदि डॉक्टर राजेश की बात सुनिए, वो ज्यादा कैपेबल होगा
अपनी परिवार की जी डॉक्टर रामायण में संस्कार मिलते या जो बच्चा इनकेपेबल अगर इनको मानसिकता के साथ रहेगा वो बच्चा ज्यादा कैपेबल होगा। ये गीता में उन्होंने बड़ी बात कह दी, यदि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। वो कह रहे हैं डॉक्टर गीता भट्ट की अगर संस्कार गर्भ में मिलते तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। वो कह रहे हैं गर्भ संस्कार दे दिए होते फिर महाभारत का युद्ध नहीं होता। इसका मतलब कह रहे हैं कि संस्कारों का कोई मतलब ही नहीं है। आप यही कह रहे हैं सर? देखिए आप कहते हैं कि संस्कारों का पूरा गर्भ संस्कार नहीं है। बच्चे के लिए जरूरी है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, लेकिन ये बात विज्ञान के द्वारा साबित करी जा चुकी है कि जो भी छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका जो मानसिक विकास है, उस मानसिक विकास के लिए माँ का जो आप सामने आप उसका वातावरण जो मेहरुद्दीन जी से लेते हैं इस बात का जवाब, वो बहुत देर से बोल रहे हैं। साइंटिफिक टर्म्स में ईआरपी बोलते हैं, रिलेटेड पोटेंशियल। जो माँ बाप है, जो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में काम करती है, उनके जो बच्चे हैं वो तो नौकरानी होती है वो पालते हैं। ऐसे तो फिर जो नौकरानी के जो नौकरानी के अंदर जो बात होगी तो फिर नौकरानी गर्भ में थोड़ी ना रखती है, क्या बात कर रहे हैं। इस बात का जवाब जो मेरे मित्र ने उठाया कि अगर ऐसा होता कि संस्कार माँ द्वारा नहीं दिए जाते या दिए जाते तो महाभारत का युद्ध क्यों होता, तो मैं इनको इस बात का जवाब दूंगा कि अगर ऐसा हुआ है इसीलिए श्री कृष्ण जैसे लोग, राम मर्यादा जैसे लोग पैदा हुए, वरना जो धर्म संस्कार को गर्भ संस्कार को नहीं मानते उनकी हाशिए क्या है। ठीक है, उनके संस्कार क्या है।